खरेखर एक देखिए कैली मंडी सांबा एक हृदय है सांबा पूरे ज़िले का और ये शहर के मध्य में स्थित है और ये सभी मंडियों में बड़ी मंडी है, इसलिए इसको चुना गया। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ सांबा ज़िले में बहुत से स्थानों पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाई हैं और करवा रही है पुलिस। और यहाँ पर ये जो दंगल दो करवाए जाएंगे, एक तो यहाँ पर इस समय चल रहा है और दूसरा रामगढ़ में होगा। और इसमें सोच यही है कि जो नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो जानलेवा नशा है हीरोइन का, उससे युवाओं को दूर रखना है। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक खेल है, मैं कहूँगा कि जितने भी क्रिकेट हो गया, जो कोई भी किसी प्रकार के जो खेल हैं, ये युग के अनुसार बदल जाते हैं, जो परिवर्तन होता है तो खेल बदल जाते हैं। परंतु दंगल एक ऐसा है और ये कुश्ती एक ऐसी है जो जुगों जुगों से नहीं बदली। कुछ तो कहते हैं कि द्वापर युग में ये शुरुआत हुई थी इस दंगल की, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि त्रेता युग में भी, जिसको सतयुग कहते हैं, उस समय भी हो चुकी थी। और कम से कम चार युग बदल गए हैं, लेकिन ये कुश्ती का खेल नहीं बदला और आगे भी आने वाले युगों युगों तक ये चलता रहेगा। और इसमें अगर जो भाग लेता है उसको पहले तो शारीरिक अभ्यास करना पड़ता है और उसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है और नशे से दूर रहना पड़ता है, और ये सबको पता है। इसलिए जब हम युवाओं को इस ओर आकर्षित करेंगे और पहलवान बनाने की ओर आकर्षित करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि नशे से ये दूर रहेंगे। और पहला यही बड़ा ऑब्जेक्टिव है पुलिस का, और पुलिस दूसरा भी बड़ा एक महादंगल करवाएगी। इसमें बहुत से लोग इसमें आए हैं और बड़ी रुचि रख रहे हैं, शहर के अंदर लोग और आगे पीछे सबको पता चल गया, और दूर दूर से भी पहलवान आ गए जिनको नहीं भी हमने सूचित किया था, वे भी आ गए हैं। और भिन्न भिन्न समुदायों से, कम्युनिटीज से, पुलिस से, आर्मी, CRPF और सिविल और स्टूडेंट्स पहलवान इसमें भाग ले रहे हैं, और सांबा ज़िले के अधिकतर युवा हैं, जो ये बड़ी खुशी की बात है। सर वाकई में युवाओं की एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज करने के लिए इस तरह के इवेंट आगे भी ऑर्गेनाइज जो किए जाएंगे? देखिए सीरीज ऑफ इवेंट्स जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ सांबा ज़िले के अंदर करवाने जा रही है, जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे बहुत ही जल्दी। एक सांबा में बॉर्डर एरियाज़ में होगा, एक रामगढ़ के बॉर्डर एरियाज़ में होगा, जिसमें गोचरी कल्चर, पहाड़ी कल्चर, बकरवाली कल्चर या कोई और भी तरह तरह के जो पुराने गीतरों थे, तरह तरह के जो नाच गाने हैं, जो भी उसमें शामिल हो सकते हैं वे शामिल करेंगे, और कई टीमें भाग लेंगी, और ताकि सभी लोग भाग ले सकें। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी पुलिस मौका देना चाहती है, क्योंकि किसी प्रकार का मानसिक तनाव ना हो, डिप्रेशन ना हो, डिप्रेशन की वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं, और आत्महत्याओं को रोकने के लिए ये छिंज मेले, दंगल और कल्चरल प्रोग्राम और इसकी बहुत महत्व है, और ये दवाई का काम करता है, इसलिए पुलिस ये काम कर रही है।